दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो अविजल बेटा, मैं आपका ऐसे समय ले रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, मेरे को आना चाहिए था आपके पास। बेटा मेरे को त्रिपाठी जी ने आपका नंबर दिया था, माय सन जतिन, मैं बड़ा परेशान था, जतिन को कोई काम वाम मिल जाए तो त्रिपाठी जी ने कहा कि आप अविजल को कॉल करके देखो। बेटा आई नो दिस इज नॉट द राइट वे कि मैं डायरेक्टली आपको फोन कर रहा हूँ। त्रिपाठी जी ने दिया है, त्रिपाठी जी ने खुद बोला है कि आप अविजल को फोन करके देख लो। और बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये होना भी नहीं चाहिए कि अगर मेरे बेटे को कुछ नहीं आता है फिर भी उसको आदमी काम दे दे, यू नो। आप ऐसा कीजिए, मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है त्रिपाठी जी के पास। अच्छा। आप उनसे बोल लीजिए, आप उनसे वो ईमेल आईडी लीजिए। मैं बिल्कुल लूंगा और आज ही अपने बेटे को बोलता हूँ। ही इज 27 नाउ। और मतलब इतना होनहार है, इतना उसने पढ़ाइयाँ करी हैं, इतनी पढ़ाइयाँ करी, दिन रात एक कर दिया है। आप HR के थ्रू या मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेजिए। आप उनको बोले कि ऑनलाइन अप्लाई करें। आई विल, मैं उसको बोलूंगा। अच्छा, इन्होंने पहले काम किया है क्या? इज दिस द फर्स्ट जॉब? वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन इसका अगर प्रोफाइल देखे आदमी, ठीक है, उसका वर्क प्रोफाइल देखे आदमी, उसका प्रोफाइल देखे बंदा, उसको छोड़े नहीं कोई कंपनी। MBA कर रखा है? नो, MBA नहीं, साइंटिस्ट है बेटे, साइंटिस्ट। ही इज 27 एंड साइंटिस्ट, अभी रात ही इन्वेंट किया है। ये तो एक कंसल्टेंसी फर्म है मेरा। नहीं, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट को जो इन्वेंशन पे इन्वेंशन कर रहा है उसको काम नहीं मिल रहा, तो फिर सोचो आम आदमी का क्या होगा। आप ये देखिए, आप मानते हैं इस बात को? नहीं नहीं, हाँ जरूर मैं मानता हूँ अंकल इस बात को, लेकिन मेरी कंसल्टेंसी में आई डोंट नीड अ साइंटिस्ट राइट। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपकी नज़र में कोई हो, क्योंकि यू नो इन्वेंशन कर रहा है, इन्वेंट कर लिया है। हाँ समझ गया अंकल मैं। क्या इन्वेंट किया है आपके बेटे ने? बैठे बिठाए ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अभी परसों ही मैं, एक तो कमरा बंद रखता है वो, मैंने धीरे से दरवाजा खोला, मैंने कहा बेटा व्हाट आर यू डूइंग, कह रहा इन्वेंटिंग। मेरे को दिखाया उसने, देखो ये ऑक्सीजन, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। मैंने कहा भाई तेरे को तो कहीं काम मिलना चाहिए साइंटिस्ट। अंकल इस हिसाब से तो आपका पूरा